बढ़ेंगे आगे। 15वीं विधानसभा का बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। विधानसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी और प्रश्नकाल में आज चिकित्सा, उद्योग, पर्यटन और श्रम राजस्व विभाग से जुड़े प्रश्न सूचीबद्ध हैं। विधानसभा में आज पेयजल संकट पर चर्चा होगी। इसको लेकर विभाग एक सप्ताह से तैयारी में जुटा हुआ है। पेयजल संकट को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी की है। पेयजल मामलों में अपनों के निशाने पर भी सरकार रहेगी। इधर मंत्री बी डी कल्ला पेयजल संकट से जुड़े सवालों का जवाब देंगे। आज से शुरू होने वाले इस सत्र की कार्रवाई में विपक्ष के विधायकों की तरफ से कानून व्यवस्था सहित कई अहम मुद्दे उठाए जाने और हंगामा होने के भी आसार हैं। साथ ही आपको बता दें कि विधानसभा में पत्रकारों पर लगाई गई पाबंदी के विरोध में भी पिंक सिटी प्रेस क्लब के पदाधिकारियों ने कल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को ज्ञापन सौंपा और आज सुबह 11 बजे पैदल मार्च भी निकाला जाएगा। इसके अलावा पिंक सिटी प्रेस क्लब से विधानसभा तक ये मार्च निकाला जाएगा और आपको बता दें कि विरोध भी जताया जाएगा। विधानसभा में आज 16 वार्षिक प्रतिवेदन रखे जाएंगे। सबसे पहले सचिन पायलट ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम का प्रतिवेदन रखेंगे। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल 2 प्रतिवेदन मेज पर रखेंगे। सबसे ज्यादा उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी 9 प्रतिवेदन रखेंगे। विभिन्न विश्वविद्यालय से जुड़े प्रतिवेदन सदन में रखे जाएंगे। वहीं डिप्टी सीएम सचिन पायलट ग्राम पंचायत और पंचायत समिति पुनर्गठन की अधिसूचना रखेंगे। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल वित्त विभाग की अधिसूचना रखेंगे। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास परिवहन विभाग की अधिसूचना रखेंगे। तो आज 15वीं विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो रहा है। 10 जुलाई को पेश होगा प्रदेश का आम बजट और पाबंदी के विरोध में पत्रकार भी आज मार्च निकालेंगे। उनकी ओर से भी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। पिंक सिटी प्रेस क्लब में विधानसभा तक ये पैदल मार्च किया जाएगा। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल वित्त विभाग की अधिसूचना रखेंगे। वहीं मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास सदन की पटल पर रखेंगे परिवहन विभाग की और सीधा रुख करेंगे विधानसभा का, जहां से हमारे संवाददाता ऐश्वर्य प्रधान जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, आज बजट सत्र का एक तरीके से कहें तो विधिवत आगाज हो रहा है और आज प्रश्नकाल में हंगामे के भी आसार जताए जा रहे हैं। देखिए, आज सबसे महत्वपूर्ण है वो पेयजल पर है चर्चा जो है। पेयजल को लेकर यहाँ पर बी डी कल्ला ने खास तौर पर तैयारी की है। तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वो भी अपने लिहाज से तैयारियाँ कर रहे हैं। उन्होंने पहले भी मटका फोड़ प्रदर्शन जैसे कई प्रदेश भर में प्रदर्शन किए थे। मेरे वरिष्ठ सहयोगी और ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आज पेयजल के अलावा कई प्रतिवेदन भी रखे जाने हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है ऐश्वर्य की आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और कल जिस तरह से कार्यशाला हुई और विधायकों को ये बताया गया था कि कैसे सदन में नियम परंपराओं के अनुसार काम करना है, खासतौर से नए विधायकों को पूरी तैयारी के साथ आना है और जो विभागीय जो तैयारियां उसमें भी कल ये बताया गया था। अरुण मिश्रा जी कल आए थे एक्सपर्ट के तौर पर, उन्होंने भी कहा था कि जब भी कोई विधायक सदन में किसी विभाग को लेकर डिबेट में पार्टिसिपेट करना चाह रहा है तो वो उस विभाग के पूरे प्रतिवेदन जो वार्षिक तौर पर आते हैं उनके बारे में गंभीरता के साथ पूरी तैयारी के साथ है। ऐसा लग रहा है कि कई ऐसे मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे, जिनको लेकर सदन में हंगामे के आसार हो सकते हैं, जिनमें लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा विषय है जिसको लेकर देखने को मिल सकता है। लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण दिन इस बात को लेकर भी है कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री के तौर पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सदन के अंदर अपने विभाग से जुड़े सवालों के भी जवाब देंगे और इसके साथ ही पानी, क्योंकि बड़ा विषय है जिसको लेकर राजस्थान में भारी संकट है। पेयजल को लेकर तकरीबन एक दर्जन से भी अधिक जिले डार्क जोन में हैं, तो ऐसे में आज किस तरह से पानी की मैनेजमेंट को लेकर तमाम 200 विधानसभा क्षेत्रों से कानून व्यवस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां की है। खासतौर पर अपराधियों का अपराध बढ़े अपराधियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, अपराध बढ़ रहे हैं, इस चीज़ को लेकर बीजेपी ने भी तैयारी की है, उसको लेकर भी सरकार ने किस तरीके की तैयारियां की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन गुलाब चंद कटारिया खुद गृहमंत्री रह चुके हैं और इसके साथ ही उनके ही विधायक कैलाश मेघवाल जो स्पीकर भी रहे हैं वो भी प्रदेश के गृहमंत्री रह चुके हैं। तो ऐसे में बीजेपी में एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष के तौर पर कई ऐसे विधायक हैं, खासतौर से हम राजेंद्र राठौड़ की बात कर लें, सतीश पूनिया की बात कर लें,
हम रामलाल शर्मा की बात कर लें, ऐसे कई विधायक हैं जो पूरी तैयारी के साथ आते हैं, मदन दिलावर, जोगेश्वर गर्ग, ये अनुभवी विधायक हैं, मिनिस्टर्स भी रहे हैं, तो ये वो विधायक हैं जो तैयारियों के साथ आने के साथ साथ सत्ता पक्ष को घेरने की क्षमता रखते हैं। कालीचरण सराफ अपने मंत्री रहे, वो भी सीनियर लीडर के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है। ईश्वर नरेश शर्मा जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, नरेश से हम बातचीत करेंगे प्रतिवेदनों को लेकर। कौन कौन से आज प्रतिवेदन, अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है प्रश्न, कौन कौन से खासतौर पर प्रश्न लगे हुए हैं जिसको लेकर सरकार घेर सकती है या जिसको लेकर सरकार कॉन्फिडेंस के साथ जवाब भी दे सकती है। देखिए ऐश्वर्या, आज जो है वो उद्योग विभाग है, सामाजिक न्याय विभाग है, इसके अलावा चिकित्सा है, पर्यटन है, राजस्व है, ये अहम विभाग है जिनसे जुड़े सवाल है। और सबसे पहले उद्योग विभाग से जुड़ा जो सवाल है वो प्रदेश में कपड़ा उद्योग से संबंधित सवाल है जो कि मदन प्रजापत ने पूछा है। ऐसे में मंत्री प्रसादी मीणा अभी अभी पहुँचे विधानसभा में, जो पूरी तैयारी के साथ आए, और बड़ी चीज़ है कि सामाजिक न्याय विभाग जो है उसका भी प्रश्न है जो पालनहार योजना से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा चिकित्सा विभाग जो कि हमेशा विपक्ष के निशाने पर रहता है चाहे किसी की भी सरकार हो, तो उससे जुड़े भी सवाल लगे हुए हैं। अब देखना यह है कि विपक्ष कितनी तैयारी के साथ आता है और सत्ता पक्ष जो है। बिल्कुल ऐश्वर्य, एक सवाल ये भी है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर क्या कुछ कार्यक्रम है आज? आज उनके क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे, सदन में कितनी देर रुकेंगे? देखिए करीब 11 बजे जो है मुख्यमंत्री के आने का फिलहाल प्रस्तावित कार्यक्रम है। हालांकि इसमें बदलाव हो सकता है क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री को ऐश्वर्य बुधवार को बजट पेश करना है, तो वो पूरी तरह से उसी तैयारी में जुटे हैं, अधिकारियों से लगातार मीटिंग चल रही है। हालांकि कई विधायक है, कई मंत्री है, वो भी मुख्यमंत्री से मिलेंगे ताकि उनके क्षेत्र से जुड़ी कई बातें बजट में शामिल हो सके। ऐसे में कुछ देर के लिए जो है वो मुख्यमंत्री आ सकते हैं क्योंकि आज जो लोकायुक्त संशोधन विधेयक है वो रखना है, जो मुख्यमंत्री संभवतया रखेंगे, तो ऐसे में मुख्यमंत्री सदन में आएंगे। लेकिन ज्यादातर समय आज वो बजट की तैयारियों में रहेंगे और अधिकारियों से उनकी कई मीटिंग है वो प्रस्तावित है। ऐश्वर्य, चलिए शुक्रिया ऐश्वर्य।